बहुत ही ज्यादा हमें टॉक्सिक लगने लग रहा था, जो कि सिर्फ मुर्तसिम की तरफ से था। हाँ, अगर उनके वो लविंग सीन्स के साथ साथ ड्रामे को बहुत अच्छे से डिस्क्लोज किया जाता, कुछ अच्छी सेंस क्रिएट की जाती, तो दैट कुड बी नंबर वन। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिदा नाम पंजाब रियल टीवी एक्स्ट्रा। सो आज जेडी का वीडियो देखने गया वो है कि है मैं कोई भी नहीं है, मैं नहीं दसदा अज नाम आपदा चलदा दिंदा भाई, मेरा नाम सनमीत सिंह। सो अज दी वीडियो विच आपां देखांगे टॉप 5 बेस्ट रोमांटिक ड्रामास। केड़े केड़े तुहानू दस रहे हैं यार। हाँ, एक तो कुड़ियां नू क्रीमा लाउण दी पई रहिंदी है, वीडियो बनाउण लग्गे बाहां देख ते क्रीमा लाउण ने। सो अज दी वीडियो शुरू करदे आ बिना किसी देरी तो। चैनल नू अपने नू सबसक्राइब कर लो, करिए शुरू जी। नंबर पे आता है ड्रामा, उसका नाम है फेरी टेल। फेरी टेल यहाँ पर बहुत ही सुपर्ब करेक्टर रखता है उम्मीद का। उम्मीद सहर खान की तरफ से प्ले किया गया एक ऐसा करेक्टर जिसको आप देखोगे और देखते ही चले जाओगे, क्या ही कमाल की एक्टिंग की। और खास तौर पे जो एक आपको थीम दिखाई गई ड्रामे के अंदर के, मतलब ऐसे में उम्मीद को बहुत ही ज्यादा अमीर होने का शौक होता है और उस अमीर बनने के लालच में वो बहुत स्टूपिड हरकतें करती है जो कि ड्रामे के अंदर अच्छी खासी क्यूट लगती हैं। दूसरी तरफ आपको दिखाया जाता है फरजाद का करेक्टर जो कि एक गेम शो का ऑनर है, वहां पर उम्मीद आती है किसी तरह और जीत जाती है 1 करोड़, और फिर इस तरह से उनका होगा इंट्रैक्शन। फरजाद और उम्मीद की जो केमिस्ट्री है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उनके जो सीन्स हैं वो इतने ज्यादा एडमायर किए गए अवाम की तरफ से कि यहां पर मेकर्स को इसका पार्ट 2 लॉन्च करना पड़ा। तो पार्ट 2 जो है वो इसका बहुत जल्दी लॉन्च होगा, जहां पर आपको दिखाया जाएगा अगेन यही कपल। वहां पर तो मतलब शादी नहीं हो सकी थी, यहां पर डेफिनेटली शादी भी होगी। अच्छा, ये ड्रामा पूरा हो भी गया? फेरी टेल हजे थोड़े दिन पहले ये टीजर ते रिएक्शन किया सी। हां जी, आही ताई दा पसंद आउंदे आ पाकिस्तानी ड्रामास, जल्दी मंगा देंदे आ। सेकंड भी आ गया, आएगा हजे कहंदे। हां जी आएगा, मतलब कहंदे ब्याह नहीं होया सी पिछले सीजन, उन्होंने इस सीजन च ब्याह हो जाएगा। और आपको वो सारे इंटरेस्टिंग सारे रोमांटिक सीन्स देखने को मिलेंगे जिनका आपको बेताबी से इंतजार है। तो इसलिए मैंने रखा है इसको नंबर 5 पे। आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या इसको 3rd या 2nd पे आना चाहिए था, जरूर बताएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। नंबर 4 पे एक ऐसा ड्रामा है जिसने लिटरली मुझे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस किया। आजकल ये ड्रामा चल रहा है और ग्रेजुअली बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। यहाँ पर आपको दिखाए जाने वाले रोमांटिक सीन्स स्पेशली हैं एक करेक्टर की तरफ से, जिस करेक्टर का नाम है शानजे। मैं बात कर रहा हूँ एहराम जुनून ड्रामे की। एहराम जुनून, इहदा नाम नहीं सुनिया यार कदे। बहुत ही जबरदस्त सुपर्ब ड्रामा है, मतलब आपको दिखाया गया है कि वन साइड पे रहते हुए कैसे कोई इंसान बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो जाता है अपने पार्टनर को लेकर और क्या वो सोचता है। एक साइड पे दिखाया गया आपको शानी को, वो सजीला को लेकर बहुत रोमांटिक हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो शानजे का करेक्टर है वो मतलब एक बिल्कुल डिफरेंट एक नई फीलिंग्स देता है। लड़कियों को भी बताता है कि अगर उनको कोई शख्स बहुत पसंद है तो वो किस लेवल पर जाकर उनसे प्यार कर सकती है, मतलब यू हैव टू पे एज वेल। लड़कियों को ये बात पता नहीं है वैसे, लेकिन जो लड़कियां खुद से बहुत ज्यादा स्पेंड करती हैं अपने पार्टनर्स के ऊपर, लड़के बहुत ज्यादा इस चीज को मेंशन नहीं करते लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा लाइक जरूर करते हैं। वो अलग बात है कि इस ड्रामे के अंदर एक बहुत ही रिजिड करेक्टर दिखाया गया है जो बिल्कुल भी उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, लेकिन आगे जाके करेगा। यहाँ पर शानी का करेक्टर भी ग्रेजुअली इंप्रेस होगा, लेकिन फिर भी आपको दिखाया गया है कि ठीक है एक करेक्टर थोड़ा सा रूड है लेकिन टॉक्सिक नहीं है। जिस तरह का लड़की का करेक्टर को दिखाया जाता है कि वो रूड होती है तो टॉक्सिक बन जाती है, एटलीस्ट ये चीज़ हमें यहाँ पर शानी के करेक्टर में देखने को नहीं मिल रही। तो एक अच्छा रोमांटिक ड्रामा है, देखने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हरपल जियो का ड्रामा आजकल जो सबसे ज़्यादा व्यूज़ ले रहा है 13 दिन के बाद, तो वो यही ड्रामा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है एहराम जुनून ड्रामा, ज़रूर बताएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। नंबर 3rd पर जो ड्रामा मैं डिस्कस करने वाला हूँ उसकी नेचर ही रोमांटिक है। यहाँ पर आपको एक ऐसे करेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हुए दिखाया गया जो इसी डोमेन में ज़्यादातर काम करते हैं, जिनका नाम है हरुण कादवानी। झूम ड्रामा था, मतलब हाल ही में लॉन्च हुआ और बहुत जल्द खत्म ही हो गया। ड्रामे की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि एक थोड़ा सा हरुण कादवानी का एक होर आया ना इदां दा ही टेलीफिल्म टाइप कुछ। कम उम्र का लड़का दिखाया गया जिसको अपने से ज्यादा बड़ी लड़की से प्यार हो जाता है और वो लड़की जो ऐसे में प्रोफेशन से डॉक्टर भी एक्सेप्ट कर पा रही है इस रियलिटी को, कभी नहीं कभी कुछ सोच रही है तो कभी कुछ। यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग ओवरऑल स्टोरी है इस ड्रामे की। झूम ड्रामा स्पेशली जो रोमांटिक ड्रामा लवर्स हैं उनको काफी ज्यादा पसंद आएगा क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ सीन ऐसे दिखाए गए हैं जिसमें सिर्फ 2 लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, जिस तरह से वो मगन हो रहे हैं वैसे ही आप भी मगन होने वाले हो। तो क्या खास बात इस ड्रामे की वो आपको देख के पता चलेगा, लेकिन मेनली ये है कि एक बड़ा जुनूनी बंदा दिखाया गया है वो जिस तरह से अपनी पर्सनालिटी को चेंज करता है, उसके लिए जॉब करता है और भी बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें जो आपको देखने का
अच्छा खासा मजा आएगा। तो झूम ड्रामा जिन लोगों ने देखा है, कैस के रोमांटिक सीन्स ने आप लोगों को इम्प्रेस किया या नहीं? क्या यहाँ पर जो केमिस्ट्री दिखाई गई थी ज़ारा नूर की साथ में हारून कदवानी के, वो किस हद तक मैच कर पा रही थी? मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा आपने कॉमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है। अब नंबर सेकेंड और फर्स्ट को डिस्कस करने से पहले मैं ये बता दूँ कि कौन से दो मेजर ड्रामे हैं जो बेस्ड करते हैं रोमांटिक ड्रामास के ऊपर, लेकिन भैया ऐसे में रोमांटिक किसी तरह से भी नहीं है, इनफैक्ट उनको देख के आपका खून खुलता है। जिसमें हाल ही में चलने वाला मुझे प्यार हुआ था, यहाँ पर अपनी तरफ से ओएसटी तो ऑब्वियसली बहुत ये भी काफी हिट हुआ ड्रामा मुझे प्यार हुआ था। जेकर चाहने हो कैसी है दे सीन्स से रिएक्शन करिए देन कमेंट डाउन बिलो। बहुत मजे का है लेकिन ड्रामा कहीं से भी रोमांटिक नहीं लगता, मुझे बहुत गुस्सा आता है माहिर के ऊपर, कहीं कहीं साथ के ऊपर भी, के मतलब वो क्यों इतनी फजूल स्टूपिड हरकतें कर रहा है। और अरीब तो मतलब छोड़ ही दो। तो एक तो ये है उसके लिए रिमार्क्स अगर हम उसको कैप्चर करें रोमांटिक ड्रामास की सेंस में। दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो तेरे बिन ड्रामा था, जो डेफिनेटली एक ऐसी नेचर रखता है जिसमें रोमांटिकनिज्म आपको दिखाया गया, तो भैया वो भी कहीं से रोमांटिक नहीं था। मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता कि एक पार्टनर जो दूसरे पार्टनर के मुंह पर थप्पड़ मारे, चलो थप्पड़ तो मुर्तसिम ने भी मारा था, मीरब ने भी मार दिया, लेकिन थूक फेंक देना एक बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेशन वाली बात है, और उसके बावजूद वेंट पे जुड़ रहे हैं, तो दैट वाज रियली ब्लो द बेल्ट। और भी बहुत सारी स्टूपिड हरकतें जो मीरब की तरफ से की गई वो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करता कि ये कोई रोमांटिक ड्रामा था। हाँ रोमांस था लेकिन वन साइडेड, और वो वन साइडेड भी बहुत ही ज्यादा हमें टॉक्सिक लगने लग रहा था जो कि सिर्फ मुर्तसिम की तरफ से था। हाँ अगर उनके वो लविंग सीन्स के साथ साथ ड्रामे को बहुत अच्छे से डिस्क्लोज किया जाता, कुछ अच्छी सेंस क्रिएट की जाती, तो दैट कुड बी नंबर वन। तो ये दोनों ड्रामे मैंने खाते से क्लियर कर दिया। नंबर सेकंड पे फिर कौन सा आएगा? नंबर सेकंड पे आने वाला है हमारे पास कैसी तेरी खुदगर्जी। कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामे के अंदर एक बहुत ही कमाल की आपको लव स्टोरी दिखाएगी, जहां पर एक इंसान किसी दूसरे से इस हद तक प्यार करने लगता है पहली ही नजर में कि डेफिनेटली बस फिर उसे और कुछ नजर नहीं आता, वो अपनी जात लाइक जिदा खुदा और मोहब्बत से होया सी, है ना? नहीं फर्स्ट खुदा और मोहब्बत फर्स्ट लुक च हुंदा वो मुंडा उनू कुड़ी नू देखदा है व्याह च, हां जी मतलब कुड़ी प्यार हो जांदा इन दोनों नू हुंदा नहीं, एच भी पता नहीं, देखांगे जदों फिर पता लगूगा। हाँ जी। रात को छोड़ के, हर चीज़ को छोड़ के एक बिल्कुल आम सी जॉब करने पे मजबूर हो जाता है। दानिश तैमूर की तरफ से प्ले किया गया ये ड्रामा बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट रखता है। दूसरी तरफ जो हमें दिखाई गई थी दुर्रे फिशा, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिंग करती हैं इस ड्रामे के अंदर, काफ़ी मज़ा आता है उनके रोल को देख के। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी लव स्टोरी थी जो कि डेफिनेटली आगे जाके वो भी बड़े अच्छे से चेंज। देखो ना, अब दुर्रे फिशा का कैरेक्टर भी वहाँ पर बहुत रिजिड था, जैसे मीरब का कैरेक्टर रिजिड था हमारे तेरे बिन के अंदर, उसके अंदर तो कोई चेंज एंड तक आया ही नहीं, लेकिन दुर्रे फिशा के अंदर जो उसका कैरेक्टर था उसके अंदर बहुत ग्रेजुअली चेंज दिखाया गया। दैट मेक्स सेंस, जो मुझे बहुत अच्छी लगी उस ड्रामे की चीज़। तो ओवरऑल एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत इंटरेस्टिंग प्ले था। अगर आप लोगों ने कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामा नहीं देखा, जो कि बहुत स्पाइसी भी है, यहाँ पर काफ़ी जुनून भी रखता है, और ख़ास तौर पे एक बड़ी डिफरेंट यूनिक सी स्टोरी है इस ड्रामे की, तो ज़रूर देखिएगा। और जिन लोगों ने कैसी तेरी खुदगर्जी देखा वो कॉमेंट्स में दूसरे लोगों को ज़रूर बताएं कि भैया क्या उनको ये ड्रामा देखना चाहिए या नहीं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर फर्स्ट पे वो कौन सा ड्रामा आता है जो कि मेरे अकॉर्डिंग 2023 का वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक, और एक ऐसा ड्रामा जिसकी स्टोरी भी बहुत ज्यादा क्रिस्प है, और आई पर्सनली बिलीव कि ये ड्रामा बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। स्टार्ट में इसको मैंने भी बहुत अंडररेटेड समझा, एक रिव्यू करके छोड़ दिया, लेकिन भैया मैं यहाँ पर सच बताता हूँ कि जो मैं फिर बाद में फील करूँ, मैंने जब इसकी मजीद एपिसोड्स देखी हैं तो मैं इस कंक्लूजन पे आया हूँ कि 2023 का अब तक का जुलाई खत्म और अगस्त आने वाला है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रोमांटिक ड्रामा चल रहा है बहुत ही सुपर्ब सीन के साथ, उसका नाम है मोहब्बत गुमशुदा मेरी। इस ड्रामे के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त रोल प्ले किया है हमारी दानानीर ने, क्या कमाल की उन्होंने एक्टिंग की, कि जिस तरह से एक बिल्कुल इमेच्योर सी लड़की को जब शुरू शुरू में होता है प्यार, तो क्या उसकी फीलिंग्स होती हैं, क्या एक्सप्रेशंस, क्या उसके कमेंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से उन्होंने कैप्चर किया। दूसरी तरफ हमारे पास जो दिखाए गए हैं खुशहाल खान, मतलब वो तो बहुत ही वाइब्रेंट एक्टिंग करते हैं, और इस ड्रामे के अंदर तो मतलब वो छा गए, उन्होंने दिखाया कि मतलब आई डोंट केयर के कितने कैमरे लगे हुए हैं, मैंने एक बिल्कुल जेन्युइन एक्टिंग करनी है कि जैसे आई एम डाइंग फॉर हर। एज पर खुशहाल खान, ये रोमियो जूलियट का देसी वर्जन है जो आपको देखने को मिलेगा मोहब्बत गुमशुदा मेरी में। तो क्या स्टोरी है इसकी, किस तरह का फीडबैक है आपका, कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा, लेकिन मुझे पर्सनली ड्रामा बहुत ज्यादा मजा दे रहा है। सो गाइस, ऐसी आई दिया वीडियो जिदे विच अब पांच इदां दे रोमांटिक लव स्टोरीज वाले ड्रामास देखे, जिन्हां दे विच दो उन्होंने एक्सक्लूड करते, कहंदे वी ओ रोमांटिक जरूर सीगे लेकिन ओ रोमांटिक नहीं हैगे सीगे। हां 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 जी, जेड़े तुसीं कहंदे सी रील्स बनाने आपां बनावांगे, क्या सी? हां जी, उन्होंने कहंदे पसंद ही नहीं आया पसंद ही नहीं आया, सही गल है। चलो एनीवेज,
ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਡਰਾਮਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਮਾ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਗੁਮਸ਼ੁਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਗੁਮਸ਼ੁਦਾ ਮੇਰੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ, ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਹਣਾ, ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਯਾ। ਇੱਕ ਕੈਸੀ ਤੇਰੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਚੱਲਿਆ, ਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਵਧੀਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ। ਸਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਰਾਮਾਸ ਤਾਂਹੀਓ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 30-35-40 ਐਪੀਸੋਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਂਡ ਸਹੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅੰਸ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਾਟਕ ਖਿੱਚ ਲਾਂਗੇ, ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਿੱਚ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਸ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਓ ਟੀ ਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਬੈਟਰ ਕਿ 30-35 ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਣ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 2-3 ਐਪੀਸੋਡ ਵੀ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਚਲੋ ਜੀ ਪੂਰਾ ਡਰਾਮਾ ਪੂਰਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ। ਸੋ ਗਾਇਸ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੋਗੇ ਉਸੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।